सो हे गाइस, दिस इज श्याम एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सामान दिखाने वाला हूँ, साथ ही उनके प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, जिस चीज़ का मैं प्राइस आप लोगों को नहीं बताता हूँ, वो प्राइस आपको मेरे स्टोर पर मिल जाएगा। उसका प्राइस भी, अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो भी आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये सैटरन का बोर्ड है। और गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। सो गाइज़, कुछ इस तरीके से आपको ये सैटरन का बोर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद गाइज़ चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं, इसके अंदर हमारा जो बोर्ड है वो कैसा है। आई होप आप लोगों ने पहले भी इस बोर्ड को देखा होगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर मैं इसको पलटता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अगर मैं इसे आपको सही से दिखा पाऊँ तो गाइज़ कुछ इस तरीके से ये हमारा बोर्ड है, जिसको कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको बेस टेबल भी मिलता है। ठीक है, साथ में वॉल्यूम के कनेक्शन भी मिलते हैं आपको, कुछ भी इसके अंदर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको ब्लूटूथ लगाना है और पावर सप्लाई देनी है 30-0-30 की, आपका जो बोर्ड है वो रन करने लगेगा। गैस इसका आउट जो इसका साउंड है वो भी मैंने वीडियो में दिखा रखा है, आप एक बार जा कर के देख लेना। और बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको 1500 रुपये का मिलेगा विद कुरियर चार्ज। ठीक है, कुरियर चार्ज इसी के अंदर इंक्लूड है, तो आपको कुछ भी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बोर्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप इस बोर्ड को परचेज़ कर सकते हैं। और भी बोर्ड जो मैं दिखा रहा हूँ उनको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है। गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अगर आपको दिखाऊँगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, बट क्या कहते हैं, जो एक एक प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सारे नहीं दिखाऊंगा, बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है, ये बेस्टेबल मिड वाला सर्किट है। उसके साथ ही गाइस ये हमारे पास एक और बेस्टेबल बोर्ड है जो कि हमारा इको माइक के साथ है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस इसके अंदर आपको मिड का सेक्शन एक्स्ट्रा मिलता है और इसके अंदर आपको इको और माइक का सेक्शन एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, बाकी दोनों की सप्लाई जो है वो 12012 1 एम्पियर है। आपको इसके अंदर डीसी में कन्वर्ट करके पावर सप्लाई देनी है और इसके अंदर आपको एसी में देनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई सर्किट इनबिल्ट है और इसके अंदर आपको पावर सप्लाई जो सर्किट है वो नहीं मिलता है। बात करें दोनों की प्राइस की, तो गाइस इसका प्राइस मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता, आप स्टोर में चेक कर लेना। इसका जो प्राइस है वो आपको 500 रुपये पड़ेगा विद कुरियर चार्ज, आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और गाइस यहाँ पे पेमेंट जो मेथड है वो ऑनलाइन है, कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं चाहते, मतलब अगर आप डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हो, तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड है। तो चलिए इसे हटा लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट जो आइटम है मैं आपको ये खुला हुआ भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से खुला हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब बाकी मिड वाला तो आपने पहले भी देखा होगा, इसके अंदर 4 ड्यूल मिलते हैं आपको, 2 की बेस टेबल है, ये बेस टेबल और हमारा ये माइक, ये माइक का वॉल्यूम ये इको। ठीक है, तो ये 4 है और मेन वॉल्यूम ये रहा इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो गाइस हीट सिंक के लिए भी काफ़ी लोग कह रहे थे, तो यहाँ पे मैं हीट सिंक भी ले आया हूँ। ये देख सकते हैं, ये हैवी में हीट सिंक है, थोड़ी ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन थोड़ी हैवी में है। ठीक है, तो गाइस इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, 100 रुपीज़ का आपको ये एक हीट सिंक पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 ट्रांजिस्टर के लिए हीट सिंक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये हीट सिंक मिल जाता है। ठीक है गाइस, इसमें कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, ये मैंने कुरियर चार्ज विदाउट कुरियर चार्ज के साथ बताया, तो वहाँ पे आपको जो प्राइस मिलेगा वो कुरियर चार्ज के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है हमारे पास। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे बोर्ड है, और भी मैं निकाल लेता हूँ और क्या है हमारे पास। सो गाइस ये हमारे पास एक और हीट सिंक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस ये हमारे पास एक और हीट सिंक है, तो जो कि 4 ट्रांजिस्टर के लिए है, तो इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है गाइज, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा कुरियर चार्ज हटा करके। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको भी ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमारा क्या है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारा। और गाइज मुझे नहीं लगता कैमरा की क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैमरा साफ नहीं किया है। कोई बात नहीं, अब इतनी वीडियो बन गई है तो इससे बेकार नहीं जाने देंगे। आई होप आप लोगों को जो बोर्ड है वो सही से दिखाई दे रहा है। ये 5.1 बोर्ड है हमारा। ठीक है, और इसके भी कनेक्शन की वीडियो बना रखी है,
इसका जो प्राइस होगा गाइस वो आई थिंक वो 400 रुपये पड़ेगा, जो 4.1 है वो 300 रुपये का है, ठीक है, इसी में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो ये आपको 400 का पड़ेगा और जो 4.1 है वो आपका 300 का पड़ेगा कुरियर चार्ज के साथ। एक बार आप अमेज़ोन पे भी इसका प्राइस चेक कर लेना, आपको वो सारे डाउट आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट आइटम कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ बेस्टेबल बोर्ड भी हैं छोटे वाले, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी एक और बोर्ड है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि इसके अंदर है। ये देख सकते हैं गाइस, ये छोटे बोर्ड्स के लिए बेस्टेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्यूल कनेक्ट है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और भी मैं देख लेता हूँ क्या है, एक मिनट गाइस। सो गाइस अभी हमारे पास यही तीन आइटम है जिनको कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने देख लिया बेस्टेबल बोर्ड है, चलिए इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा बेस्टेबल बोर्ड है। तो गाइस देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपका ड्यूल यूज़ किया गया है, साथ ही ट्रांजिस्टर और ICB यूज़ की गई है, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है, खाली आपको वायरिंग मिलेगी। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेटर है। इनका जो प्राइस है मैं स्टोर पे मेंशन कर दूंगा, अभी प्राइस मेरे को आइडिया नहीं है इनके प्राइस का, तो स्टोर पे आप चेक कर लेना, आपको प्राइस का पता चल जाएगा। सो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा, आप मेरे से ही परचेज़ करें। आप एक बार ऑनलाइन इनका प्राइस चेक कर लेना, फिर आपको पता चल जाएगा प्राइस में क्या डिफरेंस है। और गाइस प्राइस हमेशा सेम नहीं रहते, जो मैंने अभी वीडियो में बताया, और आप कुछ दिन बाद स्टोर पे चेक करोगे बोलोगे भाई वीडियो में इतना बताया स्टोर पे इतना है, तो प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, बाकी अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी आप जा सकते हो, ठीक है। पेमेंट मेथड आपको पहले पेमेंट करना होगा, फिर जाके सामान निकलेगा, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और पंखा चलाओ तो आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। और अभी भी आई होप जो आवाज़ है वो थोड़ी कम आ रही होगी, मुझे पता है क्योंकि माइक थोड़ा दूर है। बाकी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो देने की जल्दी से जल्दी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, तो गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।